हाय गाइस, वेलकम टू माय आईजीटीवी। क्योंकि न्यू ईयर आ गया है तो सेलिब्रेशन तो बनता है, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग दाल हलवा विद अ ट्विस्ट यूजिंग अनेक घी। ट्विस्ट में आपको हलवा बनाने के बाद बताऊंगी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में 1/4 कप अनेक घी डालेंगे, जो कि है शुद्ध दानेदार और खुशबूदार देसी घी, और इससे मूंग दाल हलवा में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे सोक्ड मूंग दाल का पेस्ट। मैंने 6 आवर्स मूंग दाल को सोक करके उसका सारा पानी निकाल के पेस्ट रेडी करा है। इसे हम अनेक घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और जब घी और दाल एक साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो हमें इसे तब तक भूनना है जब तक दाल का कच्चापन चले जाए और बहुत ही अच्छी रोस्टेड मूंग दाल की खुशबू आने लगे। अब बहुत ही अच्छी रोस्टेड दाल की खुशबू आने लगी है। अब इसमें जाएगा 1 कप मिल्क और 2 टेबलस्पून सैफ्रॉन इन्फ्यूज्ड वाटर, और इसे भुनेंगे जब तक दूध अच्छी तरह सूख जाए। अब दूध भी अच्छी तरह सूख गया है। अब इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 कप ऑफ वाटर। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा और अनेक घी, क्योंकि अनेक घी देता है बहुत ही अच्छा स्वाद। मैंने 3 टेबलस्पून अनेक घी डाला है। अब हमें इसे अच्छे से पकाना है, और इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑफ शुगर। शुगर डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह पकाना है जब तक हमारा हलवा और घी सेपरेट होने लगे। तो अब साइड में घी दिखने लगा है, हमारा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। और अब जो ट्विस्ट है वो ये है कि हम बनाएंगे मूंग दाल हलवा ट्रूफल्स। तो हलवा ठंडा होने के बाद इसकी हम बॉल्स बना लेंगे, और मैंने ये कुछ बॉल्स बना ली है। और ये है व्हाइट मेल्टेड चॉकलेट, इसमें हम बॉल्स को डिप करके अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरह हमें सारी बॉल्स को कोट करना है, और उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे पिस्ताशियो से, और फिर हम इसे फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए सेट होने रख देंगे। तो आफ्टर 15 मिनट्स हमारी ट्रफल्स बिल्कुल रेडी है। तो मूंग दाल ट्रफल्स बनके बिल्कुल रेडी है, तो ट्राई करके देखते हैं कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी बना है, और अनेक घी से स्वाद और बढ़ गया है। डू ट्राई दिस रेसिपी यूजिंग अनेक घी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।